तो यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। 24 के लिए अखिलेश यादव बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सपा के कोर वोट यादव वोट बैंक में सेंधमारी के जुगत में हैं। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि यादव जितने जातिवादी हैं उतने राष्ट्रवादी हैं। पहले ये बयान सुनिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कीर्ति पांडे साहब, आप लोग जातिगत बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पास एक और ट्रम्प कार्ड है, वो है राष्ट्रवाद का, और राष्ट्रवाद के जरिए आपके जो कोर वोटर हैं उसमें भी सेंधमारी की कोशिश हो रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी से बड़ा राष्ट्रवादी कौन, और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे संजय चौधरी साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे थे। दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को कि जो इनके साथ है वो चाहे जितना गलत बोले वो इनको स्वीकार है। इन्हीं की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं संजय निशा जी, उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल किया, भगवान राम की माता कौशल्या के कोख पे सवाल खड़ा किया, और उसके बाद भी वो आज भी कैबिनेट मंत्री हैं और उसी कैबिनेट में बैठते हैं जिस कैबिनेट की अगुवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके खिलाफ संजय चौधरी कभी नहीं था। और पिछड़ों की हिमायती होने की बात कर रहे हैं, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण गोलमाल कर दिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस आयोग को हमने संवैधानिक दर्जा दिया, उस संवैधानिक दर्जा प्राप्त आयोग ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को लिखा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण पूरा नहीं हुआ, उसको दिया जाए। आज भी विद्यार्थी आंदोलन कर रहा है, सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, लगातार अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन संजय चौधरी हो, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साहब, ये पिछड़ों के अधिकार के लिए नहीं बोल सकते, इनके जवान पे ताले लगे हैं पिछड़ों के। ठीक है संजय जी, जवाब दीजिए। तो नारा लगाते रहे संसो पाने वादी घाट पिछड़े पर में सो में साठ, और हम चाहते ठीक है पांडे साहब सुन लेते हैं, संजय जी को सुन लेते हैं, उसको उसका उतना हक मिले। संजय जी जवाब दीजिए। पांडे जी, अरे पांडे जी, कभी कभी अपने अंदर भी झांक लिया कीजिए। उत्तर प्रदेश की चाहे राजनीति हो, उत्तर प्रदेश की चाहे नौकरी हो, उत्तर प्रदेश के चाहे ठेके हो, उत्तर प्रदेश की चाहे संपत्ति हो, वो सारा का सारा विकास अपने परिवार को करने वाले। इसीलिए तो मैंने कहा कि आप बात तो पिछड़ों की जरूर करते हैं, लेकिन पिछड़ों में हक केवल यादवों का देते हैं और फायदा केवल सैफई परिवार को देते हैं। और इसी का नमूना है कि आजमगढ़ के अंदर जहां सबसे ज्यादा पिछड़े हैं वहाँ की स्थिति क्या है। आप जाति की राजनीति कीजिए, हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, आप जाति के पक्ष में खड़े होइए, हम उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, हम केवल और केवल इसी मंत्र पर चलते हैं, इसी साधना पर चलते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को तोड़ेंगे नहीं, चाहे वो अगड़ा हो चाहे वो पिछड़ा हो, सबको नेतृत्व देंगे, सबको सामाजिक आधार पर आगे बढ़ाएंगे। और उत्तर प्रदेश का निर्णय बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, आपका राजनीतिक दल तो पिछड़ों के हित को खाने की बात करता है। तो मुझे लगता है जनता ने आईना दिखा दिया है, और जनता के आईने दिखाने के बाद इसीलिए सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने वाले प्रखर हिंदुत्व से नहीं लड़ सकते। प्रखर हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है, और प्रखर हिंदुत्व की राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के साथ
नए साल में हम चुनाव में जाएंगे और ऐसे के साथ हो रहा दलितों के साथ बाहर का रास्ता दिखाएंगे। प्रखर हिंदुत्व में ही पूरे बाबा साहब संविधान ने जो आरक्षण की व्यवस्था दिया, भारतीय जनता पार्टी निजीकरण करके सरकारी संस्थाओं को समाप्त करके सारी आरक्षण की व्यवस्था समाप्त करना चाहती है। ठीक है, प्रियंका जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन। ठीक है, सपा सपा बीजेपी के बाद प्रियंका जी को जाना, प्रियंका जी से बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रियंका जी की पार्टी उत्तर प्रदेश में नगण्य हो गई, लेकिन प्रियंका जी स्ट्रैटेजी क्या है 2024 को लेकर के उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पर बीजेपी मिशन 80 में जुटी हुई है, समाजवादी पार्टी मिशन 80 में जुड़ने की बात कह रही है, जुटने की बात कह रही है, कांग्रेस किस मिशन में जुटी है उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक अगर मैं सवाल पूछूं तो? मैं आपको बता देना चाहूंगी कि जिस तरह कर्नाटक में आज श्री राहुल गांधी जी ने युवा निधि का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि 3,000 रुपए हम ग्रेजुएट जो युवा है उनको देंगे और बाकी जो डिप्लोमा होल्डर है उनको 1,500 रुपए देंगे, बाकी 2.5 लाख सरकारी नौकरियां एक साल में देंगे और 10 लाख प्राइवेट नौकरियां निकालेंगे। तो ये सोच होती है, ये विजन होता है कि किस तरह युवा। लेकिन ऐसे विजन को प्रियंका जी, ऐसा विजन तो आपने उत्तर प्रदेश में भी रखा था जनता के सामने, लेकिन जनता ने आपको सिमट करके रख दिया सिंगल डिजिट में। नहीं नहीं, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आप बात प्रखर हिंदुत्व की कर रहे हैं तो ये बताइए आपने पुरानी पेंशन क्यों बंद कर दी, आप हिंदुओं को ही दे दीजिए। आप ये बताइए गैस का सिलेंडर हिंदू कितने में खरीद रहा है ये बता दीजिए, अगर प्रखर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं क्या फायदा दे रहा है हिंदू लोगों को, आप यही बता दीजिए। प्रियंका जी मैंने सवाल पूछा, प्रियंका जी मैंने सवाल पूछा, समाजवादी पार्टी जैसे सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए जा रही है, जातिगत जनगणना के आधार पर चुनाव में जाएगी, मैं जानना चाहता हूँ कांग्रेस की स्ट्रैटेजी उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक क्या है, क्या नेशनल इश्यू को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस चुनाव में जाएगी? महिलाओं की बात होगी और उन छोटे व्यापारियों की बात होगी, जो असल मुद्दे हैं इस देश के, महंगाई की बात होगी। जिस तरह से आप देखिए कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है तो क्या उस पर बोलने के लिए कोई पार्टी नहीं रेडी है? आज किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि जो बोल पाए, सड़कों पर निकलकर बात कर पाए? क्योंकि सबको तो ईडी और सीबीआई का डर है। कोई एक नेता ऐसा है जो कम से कम इतने आत्मविश्वास के साथ और बिना डरे लोकतंत्र में जो हो रहा है उसको चुनौती देने के लिए खड़ा हुआ है? आपकी पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है, पूरा तंत्र लगा हुआ है इसको रोकने के लिए, पर वो रोकने वाला नहीं है। आप देखिए युवाओं की बात कौन कर रहा है, आप जात की बात कर रहे हैं, आप धर्म की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप फायदा किसको दे रहे हैं? आप किसी को नहीं दे रहे, आप सिर्फ सबको बेवकूफ बना रहे हैं। आप जनता को लूट रहे हैं और डाली की जेब में भर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं यहाँ प्रखर हिंदुत्व की, अरे हिंदुओं को क्या फायदा दे रहे हैं आप इस सरकार में? ठीक है, सुभाष यादव जी का रुख कर लेते हैं, सुभाष यादव साहब। ठीक है, संजय चौधरी कुछ कहना चाहते हैं, संजय चौधरी साहब 10 सेकंड। देखिए इनके राज्य और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की तुलना कर लीजिए, राजस्थान में पेट्रोल महंगा है उत्तर प्रदेश में सस्ता है, हिमाचल में पेट्रोल महंगा है उत्तर प्रदेश में सस्ता है, ये महंगाई के नाम पर हिमाचल जीत कर आते हैं और जनता को लाभ क्या देते हैं, 4 रुपया लीटर पेट्रोल का रेट बढ़ा देते हैं, तो इनके मुंह में राम और बगल में छुरी है, इसीलिए महंगाई की बात करने वाले हमसे ज्यादा पेट्रोल का दाम रखते हैं, हमसे ज्यादा पेट्रोल का दाम बढ़ाते हैं, हमसे कम नौकरियां देते हैं। उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 सालों में 6 लाख नौकरियां देकर दिखाया है कि जनता के हित का काम हम करते हैं, जनता के विकास का काम करते हैं और विकास के आधार पर ही उत्तर प्रदेश की जनता हमें वोट देती है। आपको मुंह पर ताले लगे हुए हैं, जब हम पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, जब हम गैस सिलेंडर की बात करते हैं तो आपके मुंह पर ताले लग जाते हैं। और जब हम नहीं, उसी का जवाब दे रहे हैं प्रियंका जी, उसी का तो संजय जी, संजय जी उसी का जवाब दे रहे हैं। राजस्थान में, राजस्थान में पेट्रोल 110 रुपया लीटर है, हिमाचल में 113 रुपया लीटर है, जाकर आप उत्तर प्रदेश की तुलना हिमाचल और मध्य प्रदेश से कीजिए, मुझको लगता है कि आपको गश आ जाएगा, शर्मसार हो जाएंगे प्रियंका जी। ऑपरेशन कमल और उसके बाद आप जाते हैं, आप विधायकों को खरीद लेते हैं, सबसे ज्यादा पैसे तो आपके पास है, आप अडानी जी की मित्रता में आकर, अरे माधव राव, अरे सिंधिया जी को आप खरीद सकते हैं। प्रियंका जी ठीक है।